सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ICT में ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी उनमें आने की संभावना है। और इस वीडियो में हम आपको विद लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं और कौन सी ईयर के अंदर आ चुके हैं। 4 से 5 टॉपिक हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। देखिए इसमें से जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो हमें बताना है। और एक बार क्वेश्चन इसमें से ये आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे, तो आगे भी इसमें से आने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद में ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा या संशोधित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कोई यूजर है उसे एडिट कर सकता है और उसे अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके अंदर जैसे ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। और वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं पूछा जाता। इसमें जैसे 2 बार क्वेश्चन आए, मैंने बताया कि उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है, ये बात उन्होंने पूछी थी। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख लेना दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है और आप ऐसे थोड़ा माइंड भी लगा सकते हो सकता है उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर कुछ अलग सॉफ्टवेयर दे दे, तो उसमें आप देखना कि इसको हम एडिट कर सकते या नहीं कर सकते। और अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। चलिए मैं को थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ ये चीज़ें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है, यानी कि इसकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है दोस्तों, ये फ्री में दिया जाता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि हमारा व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप बिल्कुल फ्री में होता है सभी के लिए। और इसी तरीके से हमारे ये जो हमारा व्हाट्सअप है वो तो क्या होगी, ऐप होगी। यहाँ पे बात चल रही है सॉफ्टवेयर की, बात चल रही है। तो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं वो हमारे PC के अंदर, कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। तो जैसे हम VLC की बात करें तो VLC बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। दूसरा है इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया जाता है, सोर्स कोड जो होता है इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिया जाता है। तो इसमें कुछ सामान्य बातें हैं दोस्तों, आप ये पढ़ लेना और अगर हम सारी की सारी बातें पढ़ेंगे तो ये जो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और ज़्यादा इसमें से डिटेल में नहीं पूछा जाता। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारे पास, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट भी हम कह सकते हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और इसमें ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2019 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 19 नहीं है दोस्तों, 2015 है, गलती से 2019 यहाँ पे लिखा गया। 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है दोस्तों। इन्होंने सर्च इंजन पूछा हो या वेब ब्राउज़र पूछा हो, ये हमें देखना है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ये तो इसमें जो आंसर है वो क्रोम दिया हुआ है। जो क्रोम है, क्रोम हमारा क्या है दोस्तों, वो है हमारा वेब ब्राउज़र है। और इन्होंने यहाँ पर सर्च इंजन पूछा हुआ कि सर्च इंजन नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। और आगे जैसे ये आया था, WWW से
का तात्पर्य क्या, इसका मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी थी। और उसके बाद में जैसे कि ये आया था दिसंबर 2013 के अंदर, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे, यानी कि जो सबसे पहले इंटरनेट शुरुआत की गई थी वो किस लिए की गई थी, वो दोस्तों सैन्य अभ्यास के लिए की गई थी, मिलिट्री के लिए की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2 बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, एक बार तो जैसे ये दिसंबर 2013 के अंदर आया डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया, और दूसरी बार जो आया था वो आया था कथन अभिकथन के अंदर आया था दोस्तों, उसमें जो कथन दिया हुआ था कि इंटरनेट की शुरुआत सैन्य अभ्यास के लिए की गई थी, तो उसमें हमें बताना था ए सही है आर सही है, तो इस तरीके से उन्होंने पूछा हुआ था। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट की शुरुआत क्यों की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जून 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, प्रथम वेब ब्राउज़र है, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है वो हमें बताना है इसके अंदर। इन्होंने दिया है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे हम कहते हैं। और अब हम इसमें आप चाहे तो इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसकी वेब ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है वो दी हुई है, सबसे पहले 1990 के अंदर आया था वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW कहते हैं। उसके बाद आया था दोस्तों 1992 में लिनक्स, फिर आया था मोजिक, और फिर आया था नेटस्केप। और काफ़ी दोस्त इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि नेटस्केप जो है वो पहले आया था, नहीं दोस्तों जो WWW है वो पहले आया था। उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, फिर ओपेरा आया था, फिर एप्पल सफारी आया था। तो ये सारे के सारे जो है आप देख लेना, जैसे गूगल क्रोम है वो 2008 के अंदर आया था, ओपेरा मिनी 2011 में, और माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो है 2015 के अंदर आया था। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ये पूछ लिया कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, लेकिन अब की बार शायद क्वेश्चन ये ऐसे आ जाए कि 4 वेब ब्राउज़र दे देंगे, जैसे नेटस्केप दे देंगे, एप्पल सफारी दे देंगे, गूगल क्रोम दे देंगे, और ओपेरा मिनी दे सकते हैं, या फिर मोजिला फायरफॉक्स दे देंगे। ये क्या है कि 4 दे देंगे, 4 से 5, और वो रैंडम तरीके से देंगे, जैसे सबसे पहले ये दे दिया, फिर ये दे देंगे, फिर ये दे देंगे, और उनको हमें क्रम वाइज लगाना होगा, सबसे पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा आया, तो ये भी वो दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि नेटस्केप पहले आया था या गूगल क्रोम पहले आया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको केवल और केवल ये याद नहीं रखना कि सबसे पहले कौन आया, नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब आया था और मोजिला फायरफॉक्स है वो कब आया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर है, एग्जामिनर हमें कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। और आगे दोस्तों आगे यहाँ पे कुछ और भी 10 टॉप 10 वेब ब्राउज़र यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक CM ब्राउज़र यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऊपर नहीं था, और एक देखिए जैसे UC ब्राउज़र है ये भी दिया है। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है दोस्तों, वो 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, या फिर ये कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों, आगे है हमारे पास वेब 1.0, 2.0 और 3.0, इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों, इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आया था जनवरी 2017 के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है, इन्होंने वेब 2.0 के बारे में पूछा हुआ है, ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अगर किसी दोस्त ने जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर दिया तो उसको अच्छे से पता होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे पूछा कि वेब 2.0 की क्या खास बात है वो हमें यहाँ पे बतानी है, तो इन्होंने आंसर 2 दिया, 2 का है कि वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इन्होंने वेब 2.0 के बारे में पूछ लिया, और हो सकता है कि आगे जो हमारा एग्ज़ाम हो दिसंबर का, उसके अंदर वेब 3.0 के बारे में पूछ ले, या फिर इन दोनों का कंपैरिजन करके वो पूछे, और कुछ भी वो पूछ सकता है दोस्तों, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास वेब 1.0। अब देखिए वेब यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता देता हूँ, आपको किसी भी तरह से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वेब 1.0 का मतलब क्या होता था,
जब शुरू शुरू में पहली बार इंटरनेट आया था तो शुरू के सालों में क्या होता था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वेबसाइट के ऊपर हम उसको केवल और केवल पढ़ सकते थे, उस पर कोई कमेंट वगैरह नहीं कर सकते थे, अपना जो फीडबैक है वो नहीं दे सकते थे, यानी कि रीडेबल वो क्या होती थी, रीडेबल मोड में होती थी, केवल हम उसको पढ़ सकते थे, तो उसे हम क्या कहते थे, वेब 1.0 उसे कहा जाता था। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद आया वेब 2.0। 2.0 का मतलब ये था दोस्तों, कुछ सालों बाद में, जैसे करीब 7-8 साल बाद में क्या हुआ कि हम जो भी हमने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हम उसका फीडबैक दे सकते हैं कि हमें ये आपकी पोस्ट है कैसी लगी, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता तो वो भी हम डाल सकते थे, जैसे आज के टाइम में हम यूट्यूब के ऊपर कमेंट वगैरह करते हैं। तो वेब 2.0 की ये खास बात थी, उसके अंदर हम सवाल जवाब कर सकते थे। और अब बात आती है दोस्तों, हाँ एक चीज़ और देखिए, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यूट्यूब दिया है, विकी दिया है, फेसबुक दिया है, ठीक है, तो फेसबुक में हम चैट वगैरह कर सकते हैं, और एग्जामिनर जो है दोस्तों वो इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो फेसबुक है वो किस तरह की टाइप में आता है, वेब 2.0 आता है, 3.0 आता है, या वेब 1.0 आता है, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब बात आती है दोस्तों वेब 3.0। अब देखिए 3.0 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हैं, और इसमें जैसे आपने देखा होगा कि कई रोबोट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो चैट करते हैं, और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर AI आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। जैसे कि मान के चलते हैं गूगल के अंदर हम कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते तो हमारे टाइप करने से पहले ही वो नीचे रिजल्ट दिखा देता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, और ज़्यादातर तो इसके अंदर जो AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि मशीन टू मशीन भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ये हो गया। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें किसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई वेबसाइट होते हैं उस पर ऑटो चैट लगे हुए होते हैं, रोबोट्स जो है वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो हमारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 3.0 के अंदर एडवांस लेवल पे इंटरेक्शन हमारा होता है, ये इसके अंदर खास बात होती है, और इसके अंदर तो मेन चीज़ यही है, और ये बस थोड़ा आप ध्यान में देख लेना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे पास व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से अब तक करीब 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं, और इसमें से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखिए जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, वो हमें बताना था कौन सी नहीं है। अब देखिए जो बी है, वी हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हम कुछ भी टाइपिंग वगैरह करने के लिए करते हैं और उसमें स्लाइड शेयर बनाते हैं, MS Excel वगैरह होता है, तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। आप चाहे तो वैसे यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब देखिए जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर वेबसाइट बनाते हैं, और या फिर ऐप बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, मशीनी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, तो उन्हीं को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसके अंदर देखिए 2-3 तरह की लैंग्वेज होती है। सबसे पहली होती है मशीनी भाषा, इस भाषा को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है, जैसे सी लैंग्वेज होगी और PHP होगी। आपने देखे होंगे कि कई कोड वगैरह होते हैं वो हमारे समझ में ही नहीं आते, तो उसे क्या है कि एक कंप्यूटर ही समझ सकता है। और उसके बाद है दोस्तों असेंबल भाषा, और असेंबल भाषा, मशीन भाषा, इन सभी के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में बताया हुआ है। अब देखिए असेंबल भाषा क्या होती है, इसके अंदर असेंबल भाषा एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर नॉमिनल कोड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर अंकीय संकेतों के स्थान पर नॉमिनल कोड का प्रयोग किया जाए उसे हम किस तरह की भाषा कहेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, असेंबल भाषा उसे कहेंगे हम। और इसके अंदर उच्च स्तरीय अगली आती है दोस्तों हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से भी क्वेश्चन आया दोस्तों,
यह मनुष्य द्वारा समझने में बहुत आसान होती है। इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बाद में कंपाइलर का प्रयोग कर मशीनी भाषा में बदला जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत आसान लैंग्वेज होती है और उसे हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है, इस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, ह्यूमन समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कंपाइलर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। वैसे मैंने आपका इसका जवाब दे दिया, फिर भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन इसी के अंदर है। और आगे है दोस्तों टॉप मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। अब इसमें से आप पढ़ लीजिए, एक मिनट रुकिए। जैसे ये हमारा क्वेश्चन आया था, इसमें इन्होंने पूछा हुआ था कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से भाषा दी गई है ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट हो गया, पैथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये हमने सुना होगा दोस्तों, आपने काफ़ी दोस्तों से सुना होगा कि मैं सी लैंग्वेज सीख रहा हूँ और सी लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं। फिर स्विफ्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल जो वेबसाइट वगैरह में यूज़ होती है, और जैसे पीएचपी हो गया, पर्ल हो गया, सी हैस हो गया, और उसके बाद में जैसे कि ये पीएचपी तो आ गया हमारा, एचटीएमएल हो गया, ये भी हमारी वेबसाइट में यूज होती है। तो ये जितनी भी 22 की 22 जो लैंग्वेज यहाँ पे हमने दी हुई है दोस्तों, ये आप सारी की सारी नीचे तक पढ़ लेना, स्क्रॉल कर लेना इस तरीके से, वीडियो को आगे चला लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे इसका, आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ रूप में चाहिए, पूरा का पूरा नोट्स आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको पेपर फर्स्ट की सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, प्लस में 2012 से लेके 2019 तक ओल्ड पेपर टॉपिक वाइज देते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है 10 बेस्ट मैसेंजर ऐप एंड चैट ऐप फॉर एंड्रॉयड। अब ये देखिए जैसे नया ज़माना है तो क्वेश्चन भी नए तरीके के आएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सी है, और कई बार ये ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है वो हमें बताना, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर जल्दी जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हम बातचीत कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ जो हमारी मेन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे बैंड हो गया, ये बैंड जो है दोस्तों ये दूसरे देश के अंदर यूज़ होती है, जैसे किक हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, स्लैक हो गया, स्काइप हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, वाइबर हो गया, और व्हाट्सअप हो गया। इसके अलावा भी हमारी कई इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि हम बात करें टेलीग्राम हो गया, और भी कई होगी जो आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हेलो हो गया, और जैसे हाइक हो गया, तो इस तरीके से काफ़ी तरह की हो सकती है। तो एक कई क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे रिलेट करके चलने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है सितंबर 2013 का, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है दोस्तों जो भी हमारा मोबाइल है या कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हम आपने सुना होगा कि इसमें विंडो 10 डली हुई है, इसमें विंडो 7 है, इसमें विंडो 8 है, तो वो क्या कहते हैं उसको, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो हमारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मैक ओएस दिया है, ये एप्पल कंपनी का है दोस्तों, और सबसे पहले आया था 2001 के अंदर आया था, और जो इसका लेटेस्ट जो वर्जन है दोस्तों वो है मैक ओएस हाई सीरिया जो भी है, 2017 का लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद में आईओएस है, ये भी हमारा एप्पल के लिए है, ये हमारा जो फ़ोन जो होते हैं उनके लिए होता है, 2007 में सबसे पहले आया था, और आईओएस 11 जो है वो इसका लेटेस्ट वर्जन है। और उसके बाद में काफ़ी तरह के यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो हमारे ये देखिए जैसे एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड ओरियो 8.0 2017 में आया था, लेकिन आज जो चल रहा है दोस्तों 2019 के अंदर
वो चल रहा है, एंड्रॉयड 10 चल रहा है। और उसके बाद जैसे एमएस डोस है, गूगल क्रोम है, क्रोम ओएस है, और उसके बाद जैसे विंडो है। विंडो आपने देखा होगा कि विंडो काफ़ी तरह की होती है, विंडो 10 है, और विंडो ME था, XP था, या विंडो विस्टा था, 7, 8, 98, एमएस डोस था। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना दोस्तों। और जो मोबाइल के लिए जो होती है दोस्तों, विंडो फ़ोन यूज़ किया जाता है, इन्होंने फ़ोन के अंदर भी अपनी विंडो सॉफ्टवेयर डाला है। और उसके बाद में भी है कई दोस्तों, ये सभी के सभी आप एक बार देख लेना। जैसे ब्लैकबेरी हो गया, सिम्बियन हो गया, सिम्बियन ज़्यादातर जो हमारे नोकिया के फ़ोन होते थे उनमें यूज़ किया जाता था। जैसे फायरफॉक्स ओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, और फेडोरा हो गया, और कैंट ओएस हो गया। तो ये सभी के सभी आप एक बार देख ज़रूर लेना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है, किसी से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आ सकता। तो ये आप एक बार देख ज़रूर लेना दोस्तों। और दोस्तों इवनिंग की जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इनमें से, इन टॉपिक में से आ चुके हैं। वो मॉक टेस्ट होगा, उसमें हम टेस्ट करेंगे कि हमने आपने सुबह की वीडियो में कितना क्या कुछ सीखा है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।